लोगों को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस बात को जानने की कि लड़कियां भी लड़कों की तरह हिलाती हैं, वो भी खुद से खुद को सेटिस्फाइड करती हैं। तो हिलाएंगी तो वो तब ना जब हिलाने वाला सामान उनके पास होगा। कुदरत ने इतनी मेहरबानी तो उनको ज्यादा बख्शी नहीं है जैसे एक मेल को ये सिस्टम दिया हिलाने का। लेकिन हाँ, जब जरूरत पड़े, उन्हें बहुत ज्यादा फिजिकल नीड हो, वो बर्दाश्त से बाहर हो, तो हाँ अंदर बाहर जरूर कर लेती है उंगलियों से। वो फीमेल जो थोड़ा सा स्किल्ड है, नॉलेज रखती है, आज के टाइम की महिला है, वो वाइब्रेटर का इस्तेमाल कर लेती है खुद को ऑर्गेजम प्लेजर देने के लिए। कि देखो, नीड तो हर किसी की होती है ना, सिंगल हो, मिंगल हो, या अनमैरिड हो, मैरिड हो, जरूरत सबकी है। और वैसे भी अगर कोई फीमेल ऐसा कर रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है, खासकर वो सिंगल फीमेल जो अपने आप को ऐसा करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से खुद को बचा रही है, और कोई मेंटल प्रेशर, कोई इस तरह का बर्डन नहीं लेना चाहती है, किसी स्ट्रेंजर से रिलेशनशिप बना लिया बाद में पछता रही है, ये चीजें तो उसके साथ नहीं है। खासकर तब तक जब तक उसे कोई लविंग, केयरिंग, ट्रस्टवर्दी पर्सन ना मिल जाए। रिसर्च भी कहती है कि अगर कोई फीमेल लंबे टाइम से फिजिकली इंटीमेट किसी से नहीं हुई है, वो सेक्सुअली कॉन्टेक्ट में किसी से नहीं है, काफी टाइम हो गया है, तो उसके अंदर हिस्टीरिया जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। हिस्टीरिया एक तरह की बीमारी होती है जिसके मुख्य लक्षण होते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके लोअर एब्डोमेन में पेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो लंबे टाइम से सेक्सुअली एक्टिव नहीं है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट उसके मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे पड़ता है, उसके पीरियड्स पे, उसके मासिक धर्म पे पड़ता है। हो सकता है उसको टाइमली पीरियड ना आए, किसी महीने आए तो किसी महीने ना आए, और अगर आए तो बहुत ज्यादा फ्लो में आए या फिर बिल्कुल कम आए, तो इस तरह की दिक्कतें उसको झेलनी पड़ सकती हैं। तो अगर कोई फीमेल ऐसा करती है तो वो बिल्कुल भी गिल्ट फील ना करे, क्योंकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, अपनी फिजिकल नीड पूरी कर रही है, अपनी मेंटल भूख, खुद को मेंटली रिलैक्स फील करा रही है, और खुद को 10 तरह की बीमारियों से भी बचा रही है। साइंटिफिक वे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना, वो नजरिया ही नहीं है किसी का, बस एक ही तरीके से चीजों को सोचा जाता है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। हाँ, वो अपोजिट जेंडर की तरह दिन रात ना लगी रहे, बस इतना ध्यान रखें। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई फीमेल मैस्टरबेट करती है या नहीं। तो करती है, संख्या में भी कम हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, मुझे आंकड़े तो नहीं पता है, लेकिन हाँ करती है।